हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेयोनेज की रेसिपी। यहाँ पर तंदूरी मेयोनेज है जो कि मैंने घर पर बनाई है और आज मैं आपके साथ तंदूरी मेयोनेज की रेसिपी शेयर करूंगी। होममेड तंदूरी मेयोनेज आप कैसे घर में बना सकते हैं, जिसको कि मार्केट से आप लाते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनकी आप घर पर लेकर आते हैं तो काफ़ी महंगी पड़ती है हमें, और जब भी हमें बनाना होता है तो या फिर तो आपको अलग से बॉटल खरीदनी होती है या फिर हमारे पास नहीं होती। तो इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये सिंपल मेयोनेज है जो सभी के घर पर होती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको घर में भी बना सकते हैं, विद एग भी बना सकते हैं और एगलेस भी बना सकते हैं। विद एग मैंने आपको ऑलरेडी शेयर की हुई है आपके साथ, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर एगलेस मेयोनेज है जो मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो तंदूरी मेयोनेज बना रहे हैं हम, तो इसके लिए हमें चाहिए होगा यहाँ पर तंदूरी मसाला। तंदूरी मसाला आप मार्केट से खरीद सकते हैं, घर पर भी बना सकते हैं। तंदूरी मसाला की रेसिपी मैं आपके संग बहुत जल्द शेयर करूंगी। फिलहाल तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है, इसमें लगभग 2 चम्मच के करीब आपको डालना है तंदूरी मसाला, साथ ही थोड़ा सा फूड कलर डालना है, ऑरेंज रेड फूड कलर आपको यूज़ करना है। तो बस दोनों चीज़ों को आपको अच्छे से करना है मिक्स। तो यहाँ पर तंदूरी जो मसाला हमने यूज़ किया है फ्रेंड्स, ये काफ़ी स्मोकी फ्लेवर वाला मसाला होता है। मार्केट से अगर आप इसको खरीदेंगे ना तो बहुत बढ़िया टेस्ट आपको मिलेगा और घर में भी बना सकते हैं, बहुत ईजिली बन जाता है और बहुत अच्छा भी बनता है। तो तंदूरी मसाला को यूज़ करके इस तरह से बनाया जाता है। तो टोटल मैंने यहाँ पर लगभग 2 चम्मच के करीब तंदूरी मसाला यूज़ किया है। ये मसाला मैंने घर पर ही बनाया था। और फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको और बता देती हूँ कि जिन लोगों के पास तंदूरी मसाला नहीं है तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, वैसे तंदूरी मसाला यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। वैसे आप इसकी जगह किचन किंग मसाला भी ले सकते हैं, तो उसका भी फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। और फूड कलर आपको थोड़ा सा ज़रूर इसमें ऐड करना है, तभी आपको बिल्कुल मार्केट वाला कलर मिलेगा। तो मार्केट से जो मेयोनेज आप लेकर आते हैं ना, उसमें भी रेड फूड कलर होता है, यहाँ पर मैंने भी यूज़ किया है रेड ऑरेंज फूड कलर। तो ये आपको डालकर मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा करके डालना है। आपको तब तक ऐड करना है जब तक कि आपको डिज़ायर्ड कलर नहीं मिल जाता, यानी कि जो कलर आपको चाहिए मेयो का वो आपको मिल नहीं जाता। तो जो मेयो होती है हमारी, मेयोनेज होती है, तो बेसिकली उसमें विनेगर होता है, नमक होता है, काली मिर्च होती है, थोड़ी सी शुगर भी होती है। तो बेस तो ऑलरेडी आपका तैयार है ही है, तो आपको कुछ भी नमक वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इस तरह से तंदूरी मसाला डाल देना है और इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल देना है। बस हमारी बहुत ही टेस्टी क्रीमी एगलेस मेयो, तंदूरी मेयो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो बहुत ही टेस्टी बनी है फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी तंदूरी मेयोनेज, ये हमने घर पर बनाई है, बहुत सस्ती भी बनी है। मार्केट से अगर आप इतनी मेयोनेज लेकर आएंगे ना तो बहुत महंगी पड़ती है। और यहाँ पर 1 कप के करीब एगलेस मेयो है जो मैंने घर पर बनाई थी, बहुत इजीली आप बना सकते हैं। रेसिपी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी, यानी कि बिना अंडे के मेयोनेज आप कैसे घर पर बनाएं। तो सिंपल मेयोनेज आप ले लीजिए, एगलेस ले लें, एग वाली मेयोनेज ले लें, मार्केट से ले लें या फिर आप घर पर बनाकर ले लें। लगभग 1 कप के करीब लेना है और उसमें 2 चम्मच आपको डालना है तंदूरी मसाला, साथ ही थोड़ा सा फूड कलर डालकर मिक्स कर लेना है और आपकी यहाँ पर मेयोनेज बनकर तैयार हो जाएगी, तंदूरी मेयो तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से आप घर में बना सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, इसको आप बनाकर जरूर देखिएगा। और इस तंदूरी मेयोनेज को आप सैंडविचेस बनाने में यूज़ कर सकते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। आप पनीर टिक्का बना सकते हैं, तंदूरी टिक्का बना सकते हैं, पनीर चाप बना सकते हैं, सोया चाप बना सकते हैं। तो जो भी रेसिपी में ये यूज़ होती है, सभी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बनती है, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी ये रेसिपी, लिखकर ज़रूर बताइएगा। बनाने के बाद में फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।